इवन विसुंबे या दोन संघाच्या संघनायकाला विनंती केली जाते ऍडव्हान्स मध्ये इथे येऊन आपला टॉस करून घ्यायचा आहे. पावसाळी मॅचेस आहेत मित्रांनो आणि सहकारी आपला अपेक्षित. चार षटकांचा सामना आहे. पुन्हा एकदा मी स्वरांश इलेव्हन उरण संघ आणि 24 लाईव्ह इव्हेंट आपला एक प्रतिनिधी आमच्यापर्यंत पोहोचवा. स्वरांश इलेव्हन उरण आपल्या संघाचा एक प्रतिनिधी आमच्यापर्यंत पोहोचवा. चार षटकांचा सामना आहे. पावसाळी क्रिकेट आता क्रिकेटला हंगाम राहिलेला नाही मित्रांनो आणि पावसाळी क्रिकेट आपण पाहू शकाल. हा मैदान आहे तो आपला पनवेलचा सुसज्ज मैदान आणि पनवेलचं भराव मैदान आपण पाहू शकाल. अगदी ग्रीनली हिरवळ पसरलेली आहे पूर्णतः मैदानावर आणि सुरुवात होत आहे. गोलंदाजीसाठी आपण पाहू शकाल एक नामांकित प्लेअर म्हणून पुंजे विभाग नव्हे तर पनवेल तालुक्यामध्ये एक उच्च दर्जाचा खेळाडू म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं तो प्रवीण भोईर सुरुवात करणार आहे 24 लाईव्ह इव्हेंटकडून प्रथम षटकाने. दोन सलामीचे फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होताना आपल्याला पाहायला मिळतील. स्वरांश इलेव्हन जीवित मला तर वाटतं कर्णधार असेल. मी त्याला विनंती करेन एक एक्स्ट्रा खेळाडू आमच्यापर्यंत पोहोचवा. लाईव्ह आहेत टुर्नामेंट्स त्यामुळे प्रेक्षक वर्ग जो घरी बसून या टुर्नामेंटचा आनंद घेतोय त्यांनाही माहिती पोहोचणं गरजेचं आहे आणि ती माहिती आपल्या 12 व्या खेळाडूंच्या माध्यमातूनच आम्ही देऊ शकतो. तर आपल्याला विनंती केली जाते एक एक्स्ट्रा प्रतिनिधी आमच्यापर्यंत पोहोचवा प्लीज. प्रवीण पवार सर यांचा मॅच ऑन होण्याचा इशारा येतोय आमच्यापर्यंत आणि इकडे प्रवीण भोईर याचा पहिला बॉल आपण पाहू शकाल. जीवित असावा ऑन स्ट्राईक कर्णधार आहे. उजव्या हाताचा फलंदाज शॉर्ट ऑफ लेन मस्त फटका आहे टोळवला उंच उडाला आणि पहिल्याच बॉलवर मात्र सुरेख विकेट मिळवलेली आहे. यशस्वी गोलंदाजी करत असताना मात्र 24 लाईव्ह इव्हेंटचा हा गोलंदाज पहिल्या चेंडूवर शून्य धावसंख्येवर माघारी पाठवतोय स्वरांश इलेव्हन या खेळाडूला. सुरुवात सुंदर झालेली आहे 24 लाईव्हची आणि अर्थातच शून्य धावसंख्येवर माघारी परतावं लागलं पहिल्या विकेटला सुरांश इलेव्हनच्या. वन डाऊनला येणारा खेळाडू मात्र आता त्याच्यावर जबाबदारी असणार आहे कारण अशा परिस्थितीमध्ये आपल्या संघाला सावरून धरणं आणि धावसंख्येचीही गती वाढवणं फार गरजेचं आहे. दर्जेदार संघ आहे प्रतिस्पर्धी संघ सुद्धा आपण पाहिला तर प्रवीण भोईर संदेश पाटील त्यानंतर आपण पाहू शकाल जयेश भोईर चांबूसारखे खेळाडू याही संघामध्ये खेळतायत. एकीकडे आपण जीवितसारखा खेळाडू पाहू शकाल. स्विंग झाला चेंडू आता आपण पाहिला टप्पा पडल्यानंतर थोडासा आतल्या साईडला वाळला चेंडू आणि इथून मात्र स्लोअर टाईपच्या बॉलवर कोणतंही उत्तर नव्हतं फलंदाजाकडे. शून्य धावसंख्येवर एक विकेट आपल्याला पाहायला मिळतोय. दर्जेदार सुरुवात हलक्या हातानं डिफेन्स केलं चेंडूला. ऑन साईडला चेंडू जोपर्यंत फील्ड होतोय तोपर्यंत एक धाव पूर्ण केली जाते आणि सुरुवात होते. एक धावेनं मात्र खातं उघडलं जाते संघाचं. एक विकेटच्या मोबदल्यात एक धाव असं समीकरण आहे ते मात्र स्वरांश इलेव्हन उरण संघाचं. चांगली दमदार सुरुवात प्रवीण भोईर याच्या माध्यमातून. गोलंदाजी करत असताना ऑलराऊंडर प्लेअर आहे क्षमता आहे दर्जा आहे त्या खेळाडूकडे. आता मात्र खराब चेंडू टाकतोय. खूप शॉर्ट चेंडू होता आणि पावसाळी क्रिकेटची तर खरी हीच मजा असते. हा नो चेंडू आहे आणि डिक्लेरेशन झोनमध्ये एक धाव म्हणजे अर्थातच दोन धावा मिळणार. पुढचा चेंडू फ्री हिट असणार आहे आणि हा मोठा बोनस पॉइंट आहे उरण संघाला. प्रवीण पवार सर मेन अंपायरच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहू शकाल. खूप मोठा अनुभव आहे त्यांच्या माध्यमातून आणि प्रवीण
रीड सहा चेंडू फेकतोय, फुल टॉस चेंडू आणि अफलातून फटका, मिड विकेट चडोक्यावरनं फेकून दिलाय चेंडू, सरळ सीमा रेषा क्रॉस करतोय, सहा धावा। वन डाऊन होती अगदी तशीच सुरुवात करतोय, संपूर्ण हिरवळ पसरलेली आहे या मैदानावर आणि पावसाळी क्रिकेटची खरी मजा असते, ज्यावेळेस झेल पकडताना एखादा खेळाडू पडतो किंवा स्लीप होतो त्यावेळेस खरी क्रिकेटची मजा असते, परंतु अजूनही थोडा पाऊस असला तर अजूनही नंतर चेंडू तेवढ्या गतीनं जेवढा आपण टेनिस क्रिकेटमध्ये उन्हाळी क्रिकेट पाहत असतो तसा चेंडू मात्र जात नाही, त्यामुळे चौकार येणं फार कमी प्रमाण असतो पावसाळी क्रिकेटमध्ये। यावेळेला मस्त फटका, बॅटची एज लागती आहे, सिली मिडॉपला असलेला खेळाडू चेंडूपर्यंत पोचतोय, तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारची धाव नाही आहे, दहा धावा, 1-0 षटक संपतोय, हे एक षटकाच्या समाप्ती अंती आपण पाहू शकाल, एक विकेटच्या मोबदल्यात 10 धावा धावफळकावर लगावल्या जात आहेत। यशस्वी गोलंदाजी प्रवीण भोईर याची म्हणावी लागेल, कारण आपण पाहिलं 10 धावा जरी खर्च केल्या तरी सुद्धा विकेट मिळवण्यामध्ये मात्र यश आलेलं आहे। नवीन गोलंदाज आपल्याला अविनाश पाटील पाहायला मिळेल, दुसऱ्या क्रमांकाचं षटक हाताळणार 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून। दोन संघ एकीकडे स्वराज इलेव्हन उरण आणि एकीकडे 24 लाईव्ह, या दोन संघांमध्ये फाइट, शॉट टॉपलेन आणि मस्त फटका, अगदी परफेक्ट शॉट, खडेखडी शॉट खेळला गेला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरनं, मात्र या चेंडूला फेकून दिलं आणि प्रवीण सरांचा इशारा येतोय 6 धावांचा। दर्जेदार सुरुवात असं वाटलेलं पहिल्या चेंडूवर विकेट गेल्यानंतर, मात्र स्वराज शिलेवन बॅकफूटवर येतोय की काय, परंतु तसं काही घडलं नाही, येणाऱ्या चेंडूवर मात्र आक्रमकता इथे आपल्याला पाहायला मिळाली बॅट्समनच्या माध्यमातून, उजव्या हाताचा खेळाडू बॅकफूटवर गेला, वेळ होता त्याच्याकडे आणि स्लोअर टाईपच्या चेंडूवर मात्र फेकून दिला चेंडूला 6 धावांसाठी। इंडिपेंडंट ट्रॉफी म्हणजे अर्थातच स्वातंत्र्यता ट्रॉफी 2022 पहिला दिवस आहे, आज तालुका हबचा पूर्ण लॉट्स या मैदानावर खेळणार आहे, पनवेलचा भराव मैदान आपण पाहू शकाल, अगदी सुंदर हिरव गार हा मैदान आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळते। दुसरी मॅच स्वराज इलेव्हन उरण आणि 24 लाईव्ह या दोन संघांमध्ये, बॅटिंग करत असताना एक विकेट अद्याप गेलेला आहे, दुसरं षटक कार्यरत असताना पहिल्याच बॉलवर मात्र षटकार लगावला गेला गोलंदाजाच्या, अविनाश हा ही लोअरफुल टॉच चेंडू होता आणि इथून मात्र कमरेच्या वर हाईट असल्या कारणानं मात्र स्क्वेअर लेग पंच आमचे सांगतायत की हा खराब चेंडू आहे, नो चेंडू असणार, फ्री हिट असणार आहे, पुन्हा एकदा बोनस मिळणार स्वराज इलेव्हन संघाला आणि अशामुळे आता कदाचित जो बॅकफुटवर असं वाटलेलं जाणारा संघ आहे तो मात्र आपली ताकद मजबूत करतोय किंवा आपला स्थान मजबूत करतोय या स्पर्धेमध्ये, करावं लागणार कारण जर बॅटिंग लाईन आपण 24 लाईव्ह इव्हेंटची पाहिली तर खूप लांबलचक 7-8 खेळाडू त्यांच्याही खेम्यामध्ये खेळणारे आहेत, खूप मोठे मोठे शॉट खेळण्याची क्षमता आहे, त्यामुळे धावसंख्या बनवणं गरजेचं आहे। यावेळेला मात्र मस्त फटका, रबर बॉल असल्या कारणानं फक्त बॅटच्या पट्ट्यात येण्याची गरज असते आणि हा अतिशयच लांब 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 आणि खूपच लांब षटकार पाहायला मिळाला, 6 धावा। टीमची टोटल धावसंख्या जर आपण पाहिली तर या 6 धावसंख्येनं 1 विकेटच्या मोबदल्यात धावसंख्या 23 धावा आपण पाहाल 1 विकेटच्या मोबदल्यात। आउट होणारा पहिला मला तर वाटते कर्णधार स्वतः जीवित मैदानाच्या बाहेर, संदीप हाही शॉर्ट चेंडू होता, स्टेट ड्राईव्ह आणि लॉंग ऑनला हा चेंडू मात्र फील्ड केला जातोय, तोपर्यंत 1 धाव कंप्लीट केली जाते, टीमची टोटल 24 धावा। 24 लाईव्ह इव्हेंट यांच्या विरोधात खेळत असताना मात्र स्वराज इलेव्हन उरण संघाची, दुसरं षटक कार्यरत आहे, पहिल्या षटकामध्ये 10 धावा खर्च केल्या प्रवीण भोईर यानं, हाही शॉट चेंडू होता, बॅच एज लागली आणि थर्ड मॅन सीमारेषी लगत मात्र तिथे डिक्लेरेशन झोन आहे, 1 धाव मिळणार, 25 धावा धावफळकावर लगावल्या जात आहेत। अविनाश पाटील आता मात्र कमबॅक करतोय कारण षटकार त्याच्याही
षटकामध्ये, या षटकामध्ये मात्र षटकार लगावले गेलेत गोलंदाज फलंदाजाच्या माध्यमातून, मात्र कमबॅक करणारा षटक आता फेकतोय का? हा अतिशय अफलातून चेंडू शरीरापासून दूर ठेवला गेला बॅट्समनच्या, आणि इथून मात्र यश आलं नाही. निर्धाव चेंडूची सांगता होते, टीमची टोटल मात्र तिथे स्थिरावली आहे. एक विकेटच्या मोबदल्यात 25 धावा. हो, सुंदर अफलातून फटका, टाइम होता, बॅकफुटवर गेला पुन्हा एकदा फलंदाज, आणि त्याच झोनमध्ये मला तर वाटतं या फलंदाजाचा फेवरेट झोन असावा, मिड विकेट आणि बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावर न खेळून काढतोय सरळ लांबलचक षटकार. षटकार खूप पाहायला मिळतात पावसाळी क्रिकेटमध्ये, म्हणूनच तर मजाच वेगळी असते पावसाळी क्रिकेटमध्ये. उन्हाळी असं काही घडत नाही, खूप दर्जेदार गोलंदाजी होते, परंतु रबर बॉल असल्या कारणानं बॅटच्या रडारमध्ये जर चेंडू बसला तर तो मात्र सीमारेषेच्या बाहेर जातो हे निश्चित. आणि तसाच काहीसा प्रकार आपल्याला पाहायला मिळाला, खूप महागडं षटक आपण पाहिलं अविनाश याचं, आणि टीमची टोटल या 7 धावसंख्येनं पुढे सरकती आहे. 31 धावा होत आहेत पहिल्या षटकामध्ये. आपण पहिल्या 10 धावा म्हणजे या षटकामध्ये जवळजवळ 21 धावा खर्च केल्या या गोलंदाजानं. प्रवीण याच्या षटकामध्ये एक षटकार जरूर लगावला गेला, तरीसुद्धा त्याने एक विकेट घेत फक्त 10 धावा खर्च केल्या. तर नंतर मात्र नवीन गोलंदाज जयेश भोईर, जयेश भोईर 2020-21-22 मधला हा एक दर्जेदार खेळाडू. हा शॉट ऑफ लेन, आणि या चेंडूवर मात्र समाचार घेणार की विकेट जाणार, हवेमध्ये आहे, आणि इथून मात्र नो चेंडू आहे, बेनिफिट आहे फलंदाजाला, म्हणजे अर्थातच झेल पकडला गेला परंतु नो चेंडू फेकला गेला गोलंदाज जयेश भोईर. मला तर वाटते धावपट्टे बनवले, त्याच्या पाठीमागे जर आपला चेंडू ड्रॉप झाला तर कदाचित हा नो चेंडू दिला जातो. आणि तसाच काहीसा स्क्वेअर लेग पंच यांच्या माध्यमातून जयेश तयार आहे पुन्हा एकदा. यावेळेला मस्त फटका, खूप परफेक्ट शॉट, बॅकफुटवर जाऊन पुन्हा एकदा पंच केलं. मी मगाशीच म्हटलं की हा फेवरेट झोन आहे या फलंदाजाचा, आणि सरळ सीमारेषेच्या बाहेर फेकून दिलं 6 धावांसाठी. काय फलंदाजी होते या फलंदाजाची, सुंदर. स्वरांश इलेव्हनचा हा खेळाडू मात्र पडती बाजू सावरतोय, कारण अशा वेळेला जो प्रेशराईज संघ असतो त्यावेळेस एखाद्या संघ खेळाडूंना आपल्या संघाला पुढे नेण्याचं काम करणं म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आहे. मित्रांनो, चांगल्या परिस्थितीमध्ये तुमचे षटकार चौकार लगावले जातात, परंतु विपरीत परिस्थितीमध्ये खेळणं हे फार महत्त्वाचं आहे. आणि तशीच काहीशी फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली बॅट्समनच्या माध्यमातून. नवीश इलेव्हन विचुंबे आणि विनोद 11 गावदेवी गावठाण, फेवरेट झोन. पुन्हा एकदा त्याच झोनमध्ये हा षटकार पाहायला मिळाला. हा फलंदाज मात्र आता चेन पडून देणार नाही 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या गोलंदाजाला, कारण जयेश भोईर याच्या गोलंदाजीवर मात्र हा आक्रमकता धारण करतोय. अर्थातच जयेश नाही, याच्या अगोदर गोलंदाजी करणाऱ्या गोलंदाजावर पण सुद्धा तुटून पडलेला हा फलंदाज. आता मात्र एक मोठं संकट आहे 24 लाईव्हच्या माध्यमातून. प्रवीण, त्यानंतर जयेश आणि संपूर्ण टीम मात्र एकवटली, आता काय करावं. या फलंदाजाला आउट घेतल्याखेरीज मात्र आता काही पर्याय राहिला नाही 24 लाईव्हकडे, कारण जर खूप वेळ हा खेळाडू मैदानामध्ये टिकून राहिला तर मात्र धावांचा मोठा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. टीमची टोटल 44 धावा झालेल्या आहेत. एक विकेट पहिल्या चेंडूवर, पहिला विकेट पाहायला मिळाला, त्यानंतर मात्र विकेट नाही, फक्त आणि फक्त षटकारच पाहायला मिळत आहेत. 7 धावा. जयेश भोईर मात्र आता फलंदाजीमध्ये क्षमता आहे, जेवढ्या धावा खर्च केल्या तेवढ्या धावा वसूल करण्याची क्षमता आहे या गोलंदाजाकडे. यावेळेला मात्र पुन्हा एकदा मिड विकेट आणि बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये चेंडू फेकून खेळून काढतोय, माफ करा, एक धाव कंप्लीट केली जाते, आणि या एक धावेच्या माध्यमातून खूप गतिमान पद्धतीनं धावसंख्या पुढे सरकते. 45 धावा, 45 रन्स, लॉस ऑफ 1 विकेट. षटकातले 3 चेंडू अद्याप फेकून झालेले आहेत. आता मात्र विकेटची गरज आहे, कारण शेवटचा स्लॉगवरचा षटक आहे. हा विकेट जर तसाच टिकून राहिला तर मात्र पेच प्रसंग असणार आहे 24 लाईव्हच्या समोर. वा, मस्त फटका आहे, मात्र झेल होतोय का हे पाहणं फार गरजेचं आहे.
आणि हाच रन वन बाउन्सी मारेशीच्या बाहेर चेंडू क्रॉस करतोय चार धावांनी. धावसंख्या मात्र जाऊन थांबती आहे ती 49 रन. 49 धावा अर्धशतकाच्या मात्र एक धाव पाठीमागे आहे हा स्वरांश इलेव्हन उरण संघ. उरण तालुका आणि पनवेल तालुका या दोन तालुक्यांमधला हा मैत्रीपूर्ण संघर्ष ती सायकल ओ जो सायकल लेकर बचा रहा है, जरा जल्दी जल्दी आओ, मैच मुकाबला चालू है तो आपकी वजह से रुकना पड़ेगा. फिर तर मात्र अडचणीचा खेळ आता निर्माण झालाय 24 लाईव्हच्या समोर, कारण लगातार मोठे फटके लगावले जात आहेत. इथे मात्र एक धाव काढण्याचा प्रयत्न होता, नॉनस्ट्राइक एंडला उभा असणारा खेळाडू नकार दिला आणि 49 धावा धावपळकावर आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळतील. फक्त अर्धशतकाच्या एक धाव पाठीमागे आहे स्वरांश इलेव्हन उरण संघ. उरण आणि पनवेल या दोन तालुक्यांमधला हा संघर्ष आपण पाहू शकाल. शॉर्ट चेंडू आणि इथून मात्र पुल केलाय आणि खूप फाईट मिळते चेंडूला आणि सरळ चेंडू जातोय. तर मात्र अंपायरचा निर्णय आमच्यापर्यंत पोहोचणं गरजेचं आहे. षटकार सहा धावा. अंपायर डिसिजन देतील आपल्याला. शेवटचं षटक आपण पाहणार आहोत. रोशन गोलंदाजी करणार आहे. आतापर्यंत 55 धावा आपण धावपळकावर पाहिल्या. 3 षटकात 55 धावा म्हणजे कशा पद्धतीने खेळ केला असेल स्वरांश इलेव्हनच्या या धाकड फलंदाजानं याचा प्रचिती आपल्याला नक्की असेल. कारण काय जबरदस्त खेळ आहे जो आता ऑन स्ट्राईकला खेळतोय फलंदाज. यावेळेला मात्र गोलंदाज सज्ज आहे. स्लो टाईपच्या या बॉलवर मात्र मोठा प्रहार करण्याची इच्छा व्यक्त केलेली या फलंदाजानं. मात्र स्लोअर टाईपचा बॉल शरीरापासून थोडासा दूर फेकला गेला आणि इथून मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता. खूप सुंदर वातावरण तयार झालंय. पूर्णतः ढग आपण पाहतोय मैदानाच्या वरती आपल्याला पाहायला मिळतील आणि थोड्याच वेळात पावसाचं ज्यावेळेस आगमन होईल त्यावेळेस क्रिकेटला खरी मजा येणार आहे. शॉर्ट चेंडू होता. पुन्हा एकदा त्याच्या फेवरेट झोनमध्ये खेळून काढतोय मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. एक धाव कम्प्लीट केली जाते. दुसरी धाव होणार का? रन आउट होणार. अपील केली जाते अंपायर्सकडे आणि यस विकेट. इथून मात्र थोडासा नाराज होतोय हा फलंदाज आणि विकेट मात्र मिळतीय. एक मोठा फलंदाज बाद होतोय. दोन विकेट मात्र मैदानाच्या बाहेर होत आहेत स्वरांश इलेव्हन संघाच्या आणि टीमची टोटल आहे ती मात्र 56 रन. 56 फॉलोअर्स अप टू विकेट्स. लास्ट स्टोर इन प्रोग्रेस. शेवटचं षटक आहे कार्यरत. नवीन बॅट्समन मैदानामध्ये दाखल होतोय.
धावांवर आता मात्र अंकुश लावणं फार गरजेचं आहे, कारण अशा परिस्थितीमध्ये आपण ज्या वेळेस 3 षटकांमध्ये एक भली मोठी धावसंख्या उभारण्यामध्ये यश मिळतोय प्रतिस्पर्धी संघ अर्थातच उरण संघाला, तर अशा वेळेला मात्र शेवटच्या स्लॉग षटकामध्ये चांगले प्रयत्न आहेत गोलंदाजाचे. हा मोठा फटका आहे, काय जबरदस्त फटका खेचलाय, गोळीच्या वेगानं सरळ स्टेट ड्राईव्ह खेळलाय, अगदी धनुष्यबाणामधून बाण निघावा तसं सरळ शॉट केलाय, सरळ लॉंग ऑन आणि लॉंग अपच्या डोक्यावरनं 6 धावा, 62 धावा, खूप मोठा धावांचा डोंगर उभा करण्याचा प्रयत्न आहे. पावसाळी क्रिकेटमध्ये चेंडू मात्र भयंकर प्रमाणात जात असतात, कारण मला वाटतं एकदा का चेंडू मोठा फटका बसला की तो चेंडू मात्र सीमारेषेच्या बाहेरच जातो, त्यामुळे हा एक मोठा प्रश्न असतो पावसाळी क्रिकेटमध्ये. हा अतिशय सुरेख चेंडू फेकला गेलेला आहे, 1 धाव कंप्लीट केली जाते आहे, 63 धावा धावपळकावर, 64 धावा लागत आहेत, वाईट बॉल घोषित केला जातो आहे अर्थातच आमचे प्रवीण पवार सर यांच्या माध्यमातून. विनोद स्पोर्ट गावठाण आणि नवी शिलेवन विसुंबे या लगेच टॉस साठी आपल्याला खूप आवाज देण्यात आलेले आहेत. विनोद स्पोर्ट गावठाण आणि नवी इलेवन विसुंबे संघाच्या संघनायकाला कॉल केला जातोय आपण टॉस साठी. या प्लीज धावा धावसंख्येवर आपण पाहू शकाल, 73 धावांचं खूप मोठं आव्हान आहे 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या खेळाडूंसमोर. स्वरांश इलेव्हन उरण संघाचे दर्जेदार खेळाडू म्हणजे प्रत्येक येणारा खेळाडू, पहिला विकेट जर आपण सोडला तर प्रत्येक येणाऱ्या खेळाडूंनी मात्र आक्रमकता इथे दाखवली आणि 72 धावांचा एक मोठा टार्गेट सेट केलेला आहे. 72 धावांचा एक मोठा टार्गेट सेट केलेला आहे आणि आता त्या टार्गेटला कशा पद्धतीने फेस करतोय हा 24 लाईव्ह इव्हेंटचा संपूर्ण संघ, काय प्लॅनिंग असणार आहे संदेशाची, कशी आखणी केली जाईल, कशी बांधणी केली जाईल, कोण फलंदाजीला ओपनिंगसाठी मैदानामध्ये दाखल होणार आहे आणि कशा पद्धतीनं आक्रमण केलं जाईल, त्याला प्रत्युत्तर देत असताना त्याच्या विरोधात कशा पद्धतीनं स्वरांश इलेव्हनची गोलंदाजी केली जाईल हे आपण थोड्याच वेळात पाहणार आहोत.
शुक्रिया, सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं इंडिपेंडेंट ट्रॉफी 2022 के इस रबर बॉल ट्रॉफी को। रबर बॉल जो मुकाबले है, यहाँ पे जो भराव मैदान पनवेल का है वहाँ पे खेली जा रही है। तो हम मुकाबला देख रहे हैं, एक तरफ सुरांश इलेवन उरण टीम है, दूसरी तरफ हम 24 लाइव इवेंट को देख रहे हैं। जैसे कि पहले बल्लेबाजी करते हुए सुरांश इलेवन उरण टीम ने गेंदबाजों को धोया था, पसीना छूटा था गेंदबाजों का। क्या अफलातून एक गेंदबाज प्रवीण भुईर की बात करें, उसको अगर छोड़ा जाए तो बाकी सभी गेंदबाजों की पिटाई हुई थी और लगभग टारगेट रखा था, सामने टारगेट रखा है इस वक्त 73 रनों का, 73 टू विन। और उसका पीछा करने के लिए दो प्रारंभिक बल्लेबाज हम सागर भुईर, विनोद इलेवन गावठान टीम ने टॉस जीता है, उनको बधाई देना चाहूंगा। और जो डिसीजन है इस मुकाबले के बाद तुरंत अब मैदान के ऊपर अंदर उतरे। सागर भोईर और गोविंदा, ये दो बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होंगे। प्रारंभिक गेंदबाजी सुरांश इलेवन टीम मोरन किसके हाथों में गेंद सौंपती है, देखना बेहद जरूरी होगा। इस दौरान हमारे मेहमान मंगेतर वाकड़ीकर साहब यहाँ पे आ चुके हैं, जिनकी ओर से एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता पिछले साल भी हुई थी, रायगढ़ की सबसे बड़ी प्रतियोगिता कही जाती है रायगढ़ प्रीमियर लीग। और इस साल भी शायद उनका ऐलान है कि रायगढ़ प्रीमियर लीग शेडोन के मैदान के ऊपर होंगे। और बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट के चहेते, क्रिकेट के ऑर्गेनाइजर और पॉलिटिक्स जो पॉलिटिक्स है उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान है, तो उनका मैं स्वागत करना चाहूंगा। वेलकम सर, आपका बहुत स्वागत है इस ट्रॉफी में, जो कि इंडिपेंडेंट ट्रॉफी 2022 के शानदार कारवा में आपका दिल से स्वागत करना चाहूंगा। तो मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा मंगेश दत्ता आपसे, कि तमीम सर से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आपके हाथ तो स्वागत किया जाए हमारे मंगेश दत्ता वाकड़ीकर, जो यहाँ पे पधारे हैं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त इस मुकाबले के लिए दिया। दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा आपका, जिनकी ओर से इस साल के रायगढ़ प्रीमियर लीग का बहुत बड़ा कारवा हम देखेंगे शिरडोन के मैदान के ऊपर, आद्य क्रांति और वासुदेव बलवंत फड़के के मैदान के ऊपर। एक फिर क्रांति होने जा रही है, एक फिर बार क्रिकेट का जलसा, एक बहुत बड़ी क्रिकेट की टूर्नामेंट्स वहां पे देखने को मिलेगी, रायगढ़ प्रीमियर लीग 2022। तो हम देख रहे हैं रायगढ़ प्रीमियर लीग 2022, ये तीसरा पर्व है जो कि 4 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक ये मुकाबले चलेंगे, जिसकी फर्स्ट प्राइज है 5,01,000 रुपए और सेकंड प्राइज है 2,50,001 रुपए और थर्ड प्राइज है 1,25,001 रुपए और फोर्थ प्राइज है 1,25,001 रुपए। मैन ऑफ द मैच के, मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक दी जाएगी, और जो कि आकर्षक जो इस टूर्नामेंट का जो सरप्राइज होगा वो मुंबई ठाणे एक मुकाबला होगा और रायगढ़ पुणे के बीच में मुकाबले होंगे। और ये जो मुकाबले पूरी तरह से हमारे शिरडोन के मैदान के ऊपर, आद्य क्रांति और वासुदेव बलवंत फड़के के मैदान के ऊपर खेले जाएंगे, जिसके मुख्य ऑर्गेनाइजर हमारे साथ बैठे हैं मंगेश दत्ता वाकड़ीकर, उनका फिर से एक बार तमाम खिलाड़ियों की ओर से, रायगढ़ वासियों की ओर से हम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी ट्रॉफी होती है ये दोस्तों। और ये देखिएगा क्या शानदार शुरुआत की है बल्लेबाज ने, टिट फॉर टैट, जिस तरह से बल्लेबाजी होनी चाहिए, क्योंकि रनों का पीछा करना है, लगभग 73 रनों का पीछा करना है, ऐसे में जिस अंदाज से बल्लेबाजी होनी चाहिए बिल्कुल वही अंदाज पकड़ा है बल्लेबाज ने। 9 रन, दूर वाली छोर से फिर एक बार गेंदबाज तैयार है। और ये गेंद लेग स्टंप के बाहर डिलीवर की थी गेंदबाज ने, और ये वाइड गेंद यहां पे करार दी गई। खेमे में से बहुत सारी आवाजें उठ रही है,
शुरुआत हो रही है इस वक्त, टीम का टोटल अगर देखा जाए स्कोर कार्ड के ऊपर, रन बने हैं 10। क्या शुरुआत की है बल्लेबाज गोविंद ऑन स्ट्राइक खेल रहा है, दाएं हाथ का बाएं हाथ का ये बल्लेबाज है ऑन स्ट्राइक खेल रहा है, जिन्होंने शुरुआत तो अच्छी की है। गेंदबाजी की बात करें तो सुरांश इलेवन उरन टीम की तरफ से गेंदबाज, गेंदबाज तैयार है, बाएं हाथ के बल्लेबाज ऑन स्ट्राइक हम देख रहे हैं, हल्के हाथों से यहां पे हवा में गेंद, और ये देखिएगा ये मजा होता है बारिश के मौसम का, क्रिकेट अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी मस्ती होती है क्रिकेट में, फिसलना और फिर भी ये क्रिकेट का एक जुनून है दोस्तों। आज हम देख रहे हैं, आज जो कि रायगढ़ थाना में बहुत सारी जगह हर दम क्रिकेट, हर मौसम में क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट का जुनून है, एक बहुत बड़ा क्रिकेट यहाँ पे खेला जाता है। और ये देखिएगा लोअर फुल टॉस गेंद थी, अच्छा प्रयास और अच्छी कोशिश, सफल भी हुए थे, एक रन मिलेगी, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, और से एक रन के साथ टीम का टोटल मूव होता हुआ 13 रन। बगैर विकेट के नुकसान पर 24 लाइव इवेंट, और दूसरी तरफ सुरांश इलेवन उरन के बीच में ये मुकाबला, ये शॉट अप लेन सागर भोईर के बल्ले से गेंद हवा में जरूर उठी है और खिलाड़ी गेंद के पीछे भी है लेकिन नाकामयाब हुए, और गेंद मुझे लगता है अंपायर का इशारा हमारी तरफ आना बाकी है, गेंद गई, गेंद नो गेंद है, और अंपायर 4 रन है ना, ये 4 रन, 5 रन मिलेंगे, और इस 5 रनों के साथ टीम का टोटल रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ 18 रन, यानी कि अगले 4 रन, 4 रन और एक नो की रन, यानी कि 5 रन, 18 रन बन चुके हैं, और अगली गेंद फ्री हिट रहेगी बल्लेबाज सागर भोईर के लिए, ये छोटी गोली है लेकिन बहुत जहरीली बल्लेबाजी होती है इस बल्लेबाज के द्वारा, लेकिन ये लेग स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद अंपायर द्वारा वाइड करार दी गई, और ये देखिएगा फ्री हिट जारी रहेगा सागर के लिए, और एक बोनस पॉइंट रहेगा, और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एक बहुत ही होनहार खिलाड़ी है सागर भोईर, उड़ाया इस गेंद को, स्टेट ड्राइव खेला है, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है, दूसरी रन के लिए दौड़ना चाहते हैं दोनों बल्लेबाज, लेकिन एन वक्त पर नकारा है, टीम का टोटल एक से बढ़ता हुआ रन संख्या बन चुकी है, बीस रन, 20 रन, गेंदबाज तैयार, ये शॉट गेंद थी, अपील हुई थी अंपायर के पास लेकिन इस अपील को खारिज कर दिया अंपायर द्वारा, इस दौरान 1 रन बनेंगे, लेग बाइस के रूप में ये 1 रन मिलेगी, और 1 रन के साथ बढ़ता हुआ टोटल आ चुका है 21 रन, 21 फॉर विदाउट लॉस, अच्छी शुरुआत है, जिस अंदाज से 73 रनों का पीछा करना है 24 लाइव इवेंट टीम को, तो शुरुआत तो अच्छी की है, पहली ओवर में लगभग 21 रन बने हैं, तो ये शुरुआत अच्छी है, जैसे कि हम इसी का इंतजार कर रहे थे कि ऐसे बड़े बड़े ओवर अगर आते हैं तो ये जो कि बारिश के मौसम के क्रिकेट में
कोई भी टारगेट ना मुमकिन नहीं होता है दोस्तों। बहुत सारे रन बनते हैं, बहुत सारे रनों का पीछा करते हुए टारगेट ब्रेक भी किए जाते हैं, तो ऐसे में 73 रन हम बोल रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी टेनिस क्रिकेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी रन संख्या नहीं है। बारिश के मौसम में रबर बॉल रहता है तो बहुत सारे छक्के देखने को मिलते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती है गेंदबाजों को, तो ऐसे में रन बनना मुमकिन है। 21 रन बन चुके हैं नए गेंदबाज जुगल। मंगे दादा आपका फिर से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने कीमती वक्त दिया इस इंडिपेंडेंट ट्रॉफी को। ओ ये मिसटाइमिंग शॉट खेल बैठे, विकेट कीपर के हाथों से भी गलती हुई, इस दौरान 1 रन मिलेगी और 1 रन के साथ 22 रन। अच्छी शुरुआत, शुरुआत तो बहुत बेहतरीन हुई है मैं कहूंगा इस वक्त 24 लाइव इवेंट की, क्योंकि अभी तक 7 गेंदें फेंकी गई है और 22 रन बन चुके हैं बगैर विकेट के नुकसान पर। ये शॉर्ट गेंद थी और यहां पे हुक करना चाहते थे बल्लेबाज, गेंद चली गई सर के ऊपर से और विकेट कीपर की दस्तानों में जाकर रुकी, कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं, टीम का टोटल वहीं पे रुका हुआ। कोशिश तो अच्छी कर रहे बल्लेबाज रनों को बनाने की, और सागर भुईर अच्छे बल्लेबाज है जब सेट होते हैं तो। ओ इस बार गेंदबाज ने जुगल ने जुगलबंदी की, इस बार ऑफ स्टंप उखाड़ दिया और पहले विकेट का खात्मा होते हुए यहां पे लौटना पड़ेगा सागर भुईर को। 22 रन टीम का टोटल यहां पे योगदान पर, यहां पे पहले विकेट का खात्मा हुआ था बल्लेबाज सागर भुईर का। प्रफुल्ल पाटिल नए बल्लेबाज, चांबो के निकनेम से जाने जाते हैं ये बल्लेबाज, और जब से शुरुआत की है इस बल्लेबाज ने तब से आज तक उनका बल्ला कभी शांत नहीं बैठा। बहुत सालों से मैं इस बल्लेबाज को देख रहा हूं और आज जरूरत है 24 लाइव इवेंट को एक अच्छे बल्लेबाज की और एक अच्छे बल्लेबाजी की, और शायद उम्मीद भी रखते हैं इस प्रफुल्ल पाटिल के बल्ले से। लेकिन गेंदबाजी की बात करें तो जुगल ने बेहतरीन गेंदबाजी की है, विकेट पहला विकेट यहां पे वापिस भेजा है। यहां पे हम देखेंगे प्रफुल्ल के बल्ले से फाइन लेग बाउंड्री लाइन के पास गेंद गई, 1 रन बनेगी, लेग 22 के रूप में 1 रन बनेगी, लेकिन अब रनों की रफ्तार को बढ़ाना होगा क्योंकि टारगेट लंबा है, सफर बहुत लंबा तय करना है, तो आपकी रफ्तार भी बढ़ानी पड़ेगी नहीं तो फिर इस टूर्नामेंट से हाथ धोना पड़ेगा 24 लाइव इवेंट को। अगर आप अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, और गोविंदा बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, सलामी में आए हुए ये बल्लेबाज अभी तक अपना मोर्चा संभाले मैदान के अंदर डटे हुए, जुगल तैयार है। और ये गेंद शायद खराब गेंद, अंपायर द्वारा वाइट करार दी गई, वन बाउंस का इशारा भी किया गया गेंदबाज को, यानी कि अब दिक्कत रहेगी गेंदबाज के, प्रेशर रहेगा गेंदबाज के ऊपर। रबर बॉल में उसे बहुत प्रेशर रहता है क्योंकि रबर बॉल जब पीच होती है, लैंड होती है, तो अगर थोड़ी सी ज्यादा प्रेशर होगा तो बहुत जम करती है। ये देखिएगा बढ़िया स्ट्रोक खेला है, खिलाड़ी गेंद के नीचे जरूर आएंगे लेकिन कोई मौका नहीं, खिलाड़ी दर्शक बनकर रह गए, गेंद गई सीधी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। अच्छी कोशिश है गोविंदा, एक बहुत बड़ा ऑप्शन है 24 लाइव इवेंट के लिए क्योंकि अब इनके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी है, और जैसे कि बात कर रहे हैं उसे बाज सेट हो गया बल्लेबाज, और जब बल्लेबाज सेट होता है तो उसका जो हौसला होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाती है। क्या शॉट खेला लेकिन इस बार बल्ले के रडार में गेंद नहीं आई, लेकिन कितने रन बनते हैं देखना होगा, 1 ही रन बनेगी, 1 रन से टीम का टोटल मूव होता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 31 रन, 31 रन। ओवर की समाप्ति हुई, 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल 1 विकेट के नुकसान पर 31 रन। आउट होने वाले पहले बल्लेबाज थे सागर भोईर, उसके बाद हमने देखा प्रफुल्ल पाटिल को मैदान में दाखिल होते हुए तीसरे नंबर पर, और गोविंदा जो इस वक्त मैदान में बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुरांश 11 उरण 24 लाइव इवेंट, ये दो टीमों के बीच में मुकाबला हो रहा है। 73 रनों का टारगेट सेट किया था सामने 24 लाइव इवेंट के, पीछा करते हुए यहां पे अभी तक 31 रन बना दिए है बल्लेबाजी करते हुए। अब 12 गेंदों के ऊपर मेरे ख्याल से 42 रनों की जरूरत है, यानी प्रति ओवर 21 रन बनाने होंगे प्रति ओवर, अगर आस्किंग रन रेट जो कि देखा जाए तो 21.00 की
रफ्तार से रन बनाने पड़ेंगे। आसान तो नहीं होगा, लेकिन रबर बॉल में नामुमकिन भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक आध ओवर अगर 20-25 रन, ये पहली ओवर 20 के ऊपर जाती है तो शायद अगली ओवर में अच्छे अच्छे बल्लेबाज भी है। प्रवीण भोईर जैसे बल्लेबाज अब पीछे है, जयेश भोईर है, संदेश पाटी जैसे बल्लेबाज अभी भी बैलेंस है। नए गेंदबाज मोनिश, मोनिश गेंदबाजी के लिए तैयार है दूर वाली छोर से। ये पहली गेंद शॉर्ट गेंद डाली थी, लेकिन जिस अंदाज से खेलना चाहिए था गोविंदा को वो अंदाज बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मैं स्टामिंग शॉट खेल बैठे, फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया था, जगह पर खड़े रहे और खेलना चाहते थे और नाकामयाब। ये गेंद रफ्तार थी, गेंद टप्पा खाने के बाद बिल्कुल गोली की रफ्तार से विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर रुकी, कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं। अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत, ओ फिर एक बार अच्छी गेंद गोविंदा को जगह पर खड़ा कर दिया है और अब गर्दिश में सितारे हैं। मैं कहूंगा 24 लाइव इवेंट के या 33 नंबर की जर्की पहने हुए गेंदबाज मोनिश अब थोड़ा सा हावी हो रहा है बल्लेबाजों के ऊपर। जैसे कि शुरुआती दौर में शुरुआती ओवर अगर देखी थी हमने, पहली ओवर बेहतरीन बल्लेबाजी हुई थी 24 लाइव इवेंट की, लेकिन तीसरे नंबर की गेंदबाजी करते हुए मोनिश ने अभी तक रनों के ऊपर अंकुश लगा के रखा है। अब प्रफुल्ल पाटिल स्ट्राइक में खेल रहा है, आशाएं रहेगी 24 लाइव इवेंट। अभी सोचते होंगे ये गेंद अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे, ये नो गेंद, एक रन मिलेगी, फ्री हिट मिलेगा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है 24 लाइव इवेंट के लिए, क्योंकि टीम का टोटल अगर देखा जाए तो 33 रन प्रफुल्ल के लिए ये सुनहरा मौका है। रनों की जरूरत है ऐसे में, फ्री हिट मिलना यानी कि, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए वहां पे, विकेट खिलाड़ी है पीछे है गेंद के, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा और जिस अंदाज से खेलना चाहिए, बल्लेबाजी करने चाहिए, बिल्कुल थम चुकी है बल्लेबाजी। शुरुआती दौर में अगर देखा जाए, जब सागर थे और गोविंदा ने शुरुआती ओवर में अच्छी बल्लेबाजी की थी, छक्के लगे थे, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो पूरी तरह से थम चुकी है, क्योंकि जुगल की गेंदबाजी देखी थी हमने, उसके बाद हम इस गेंदबाज को देख रहे हैं, इस वक्त बेहतरीन गेंदबाजी कर रहा है। गोविंदा है बाएं हाथ के बल्लेबाज, स्ट्राइक में फुल टॉस, गेंद अटैक हुआ, फ्लैट शॉट खेला है बिल्कुल 6 रनों के लिए, वाकई तारीफ काबिल बल्लेबाजी। ऐसी बल्लेबाजी की जरूरत है, अब भी वक्त गया नहीं, एक दो हिट और लगते हैं तो शायद कमबैक करेगी, आशाएं जीवित होगी 24 लाइव इवेंट के, क्योंकि टीम का टोटल 40 रन बन चुका है और एक दो छक्के लगते हैं इस ओवर में तो शायद कमबैक करेगी 24 लाइव इवेंट। ये बिल्कुल पैरों पर डाली थी गेंद और सफल हुए गेंदबाज, जो उन्होंने रणनीतियां आखी थी, लेग 22 के रूप में एक रन मिलेगी और बिल्कुल उसमें सफल हुए। ओवर की समाप्ति हुई, 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल 41 रन। बत्तीस रन चाहिए 6 गेंदों के ऊपर, यादगार पारी खेलनी होगी गोविंदा को। अगर ऐसा होता है तो लाइव टेलीकास्ट है, हर जगह चर्चाएं होगी। कल की जो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर फोटो के साथ बहुत बड़ी चर्चा होगी गोविंदा की, लेकिन क्या ऐसा होने देंगे गेंदबाज? 7 नंबर की जर्की पहने हुए राकेश गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त। सामने है बल्लेबाज गोविंदा, राकेश गेंदबाजी के लिए तैयार है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी, ये गेंद देखिएगा लेग स्टंप के बाहर, अंपायर द्वारा वाइट करार दी गई, अतिरिक्त रन संख्या से 1 टोटल में इजाफा हुआ, कुल रन संख्या 42 रन।
गोविंदा है स्ट्राइक में, बाएं हाथ के बल्लेबाज है, जिस अंदाज से खेले हैं अभी तक 24 लाइव इवेंट के लिए तो जरूर आशाएं रहेगी समर्थकों को। ये और एक और एक वाइड गेन और डिक्लेरेशन जोन में एक रन, खराब गेंदबाजी कर रहे हैं राकेश को, जिस मकसद से कप्तान ने अंदर भेजा था, जो मकसद पूरा करने के लिए उसको बताया गया था, लेकिन थोड़ी सी खराब गेंदबाजी राकेश की यहाँ पे देखने को मिल रही है। और ऐसे सिचुएशन में आपका एक एक खराब बॉल आपके टीम को बैकफुट पर लेकर लेकर जाएगा स्वरांश इलेवन उरन टीम। देखा जाएगा, राकेश कमबैक करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन सामने है बल्लेबाज गोविंदा, बिल्कुल सेट बल्लेबाज, ये उड़ाया है इस गेंद को, लेकिन वहां पे देखिएगा खिलाड़ी तो गेंद के पीछे जरूर जा रहे, एक रन तो आसानी के साथ, दूसरी रन तू तू मैं जरूर हुई थी, और ये दो रन कंप्लीट। चालीस रन हम स्कोर कार्ड के ऊपर देख रहे, अभी भी पांच गेंदों का मुकाबला शेष रहेगा। राकेश सामने है बल्लेबाज गोविंदा, 27 रनों का पीछा करना है पांच गेंदों के ऊपर, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। देखा जाएगा अब गोविंदा जैसे बल्लेबाज सामने हैं, बिल्कुल सेट हो चुके हैं, ओपनिंग में आए हुए ये बल्लेबाज अभी तक खेल रहे हैं, यानी कि कुछ तो आशाएं रहेगी सपोर्टर्स को, लेकिन बिल्कुल बल्ले के रडार में गेंद नहीं आई, उसी जोन में गई गेंद, एक रन के लिए, और एक रन के साथ टीम का टोटल मूव हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर एक विकेट के नुकसान पर 47। अब थोड़ी सी मुश्किल में लग रही है 24, क्योंकि जैसे जैसे गेंदें निकलती जा रही है वैसे वैसे रनों का अंबार यहां पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे सिचुएशन में आपको बहुत बड़े लंबे चौड़े छक्के चाहिए। प्रफुल का बल्ला बिल्कुल आज शांत रहा, एक ही रन मिलेगी, जिस मकसद से प्रफुल को भेजा था मैदान के अंदर, शायद हाथ को सफलता नहीं मिल रही है प्रफुल को, बल्ले के रडार में गेंद नहीं आ रही है, शायद एक एक रन बनाकर अभी तक मुकाबले में खेलते हुए नजर आ रहे। अब बिल्कुल विपरीत परिस्थिति हो गई है 24 लाइव के लिए, ये बढ़िया स्ट्रोक इस बार ऑन साइड में खेला, लेकिन कार्पेट शॉट से यहाँ पे शॉट खेल कर आप बड़े रनों की रफ्तार को क्रॉस नहीं कर सकते, एक से बढ़ता हुआ टोटल आ चुका है 49 रन, 49 यानी कि अर्धशतक के मात्र एक रन पीछे है 24 लाइव। प्रफुल मिसटाइमिंग शॉट, फ्रंट फुट पर आए थे, खेलना चाहते थे, बल्ले के ऊपर लेना चाहते थे, लेकिन वाकई तारीफ काबिल गेंदबाजी, राकेश की तारीफ करना चाहूंगा, जैसे कि देखा उन्होंने आंखें देखी थी प्रफुल की कि ये बल्लेबाज अब थोड़ा मूव करने वाला है, थोड़ा कदमों का इस्तेमाल करने वाला है, तो अपनी गेंद को शॉट किया और चकमा खा गए बल्लेबाज। डॉट गेंद की समाप्ति भी, अब मात्र औपचारिकता बची है मुकाबले में, एक गेंद उछली जरूर थी, वाइट बॉल अंपायर के पास देखा था, प्रफुल शायद कह रहे कि जाते जाते बल्ले से एकाध छक्का लग जाए तो उनके उनको दिल को भी उनके तसल्ली मिलेगी, सुकून मिलेगा, लेकिन देखते हैं ऐसा करने देंगे गेंदबाज। ओहो, ऊंचा उठा, बहुत ज्यादा ऊंची उठी है गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे बिल्कुल है और कोई गलती नहीं, प्रफुल की विकेट और इसी के साथ मुकाबला भी जीता है स्वरांश इलेवन उरन टीम ने, बधाई देना चाहूंगा उरन टीम को और इस प्रतियोगिता के बाहर गई 24 लाइव इवेंट के लिए, बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट मैच के लिए। नमस्कार भाई, क्या है इस मुकाबले के लिए मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी जाती है, ऑफकोर्स जीवित को यहां पे बुलाना चाहूंगा, वेल प्लेड जीवित, मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी के लिए यहां पे बुलाना चाहूंगा। आइएगा जीवित, बहुत बढ़िया मुकाबला हुआ, शुरुआत तो अच्छी की थी और
इसके बाद नवीश इलेवन विसुम्बे और विनोद स्पोर्ट गावठान के बीच में ये मुकाबला होगा। दोनों टीमों को फिर एक बार बेस्ट ऑफ लक देना चाहूंगा और जीवित को यहां पे बुलाना चाहूंगा मैन ऑफ द मैच के लिए।